अगले वीडियो में आप सभी को स्वागत है। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो अभी करें, क्योंकि बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग कंटेंट्स मैं इस चैनल पर अपलोड करते आ रहा हूँ। तो आपको देखने के लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो फ्री है दोस्तों, और उसके साथ नोटिफिकेशन बेल पर भी आप एक बार टैप कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ तो आपको नोटिफाई होता जाएगा। हाय फ्रेंड्स, अगले वीडियो में आपका स्वागत है। वीवो V9 में एक न्यू अपडेट रिलीज किया था, तो क्विकली आप अगर अपडेट नहीं किया है तो सेटिंग्स पर जाके सिस्टम अपडेट है, यहाँ से आपको अपडेट करना चाहिए, तो डाउनलोड करके इंस्टॉल कीजिए। तो अपडेट होने के बाद इन्होंने थोड़ा कैमरा सेटिंग्स में चेंजेस किए हैं, वही मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। तो उसके लिए आपको कैमरा पर ऑब्वियसली जाना पड़ेगा। यहां पर देखिए सेटिंग्स है, तो सेटिंग्स में क्या किया है इन्होंने, दे हैव इंट्रोड्यूस्ड नया, जो कि 16:9 एस्पेक्ट रेशियो इंट्रोड्यूस किया है, 19:9 एस्पेक्ट रेशियो है, 4:3 है एंड 1:1 है। अगर आप कोई भी एस्पेक्ट रेशियो में कैप्चर करना चाहते हैं तो जस्ट टैप कीजिए, 19:9 फुल एस्पेक्ट रेशियो मिल रहा है अभी, एंड 16:9 जो कि स्टैंडर्ड LCD मॉनिटर, TV या फिर जहाँ पर भी आप देखते हैं तो 16:9 एस्पेक्ट रेशियो में देखते हैं, तो फुल स्क्रीन आप देख सकते हैं TV पर बिना क्रॉप किए। तो ऐसे कैप्चर करने के लिए 16:9 एंड 1:1 तो है ही स्क्वायर में, जो सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए इंस्टेंटली यूज़ होगा। तो वैसे ही 4:3 फुल रेजोल्यूशन यूटिलाइज करने के लिए तो इन्होंने यहाँ पर ये इंट्रोड्यूस किया है। पहले फुल स्क्वायर, नॉर्मल एंड स्क्वायर कुछ ऐसे था, तो अभी इन्होंने ऐसे चेंज किया है। इसके बाद फिर उन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर टेक फोटो में 4 स्क्वायर मोड था। अगर आप मेरे वीडियोज़ को देखे हैं वीवो V9 में, आपको पता चलेगा कि यहाँ पर 4 स्क्वायर था पहले, तो उन्होंने हटा दिया है उसको। तो उसमें क्या होता था कि आप बिल्कुल डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं, टाइम लैप्स बना सकते हैं, स्लो मोशन वीडियोज़, तो इन्होंने उसको मूव करके जस्ट आप ऐसे स्वाइप करेंगे तो ये है वीडियो सेक्शन। वीडियो सेक्शन में कैमकॉर्डर का आइकॉन है यहाँ पर, तो जस्ट टैप कीजिए, यहाँ पर देखिए नॉर्मल, स्लो मोशन एंड टाइम लैप्स। तो इन्होंने यहाँ पर इसको लगाया है स्लो मोशन टाइम लैप्स, तो यहाँ से आप स्लो मोशन को कैप्चर कर सकते हैं। गुड दैट दे हैव नॉट रिमूव्ड इट। तो वैसे ही अगर आप टाइम लैप्स लेना चाहते हैं, टाइम लैप्स है, 4K वीडियो कैप्चर कर सकते हैं, तो ये सब यहाँ पर मूव किया है। वैसे ही अगर आप डॉक्यूमेंट को स्कैन करना चाहते हैं तो जस्ट स्वाइप करते जाए ऐसे, लास्ट में या फिर फर्स्ट में कहिए तो डॉक करके है, तो डॉक पर जाएंगे तो डॉक्यूमेंट यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं। तो थोड़ा ट्वीक इन्होंने किया है, विच इज़ आई थिंक मेक्स सेंस, तो बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद एक डिसएडवांटेज यानी अपडेट में फिक्स नहीं हुआ है कि यहाँ पर मॉडल वाटरमार्क, टाइम वाटरमार्क है। अगर मॉडल वाटरमार्क या फिर टाइम रखते हैं, जो भी बोलिए आप, तो कैप्चर करेंगे तो आप बिल्कुल इसको एडिट नहीं कर सकते वाटरमार्क को। अपना नाम अगर लिखना चाहते हैं कॉपीराइट सिंबल डाल के, वो नहीं कर सकते हैं। एंड इवन कैप्चर करने के बाद यहाँ पर वीवो V9 ड्यूल रेयर कैमरा करके है, इसको एडिट नहीं कर सकते आप। अगर मान लीजिए आपका नाम भी लिखना है तो यहाँ पर इंस्टेंटली एडिट पर जाके टेक्स्ट पर जाएंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ पर देखिए कॉपीराइट का सिंबल है, तो यहाँ से मैं कॉपीराइट सिंबल डालता हूँ तो इमोटिकॉन्स आर नॉट सपोर्टेड कहता है, तो ये वाला सिंबल्स बिल्कुल यहाँ पर नहीं आता है कॉपीराइट का, तो कैसे मैं अपना नाम लिख के कॉपीराइट सिंबल्स डालूँ, तो सपोर्ट नहीं करता है। तो वीवो अगर आप देख रहे वीडियो तो फिक्स कीजिए इस इशू को नेक्स्ट अपडेट में। तो इतना ही था दोस्तों, जस्ट क्विक वीडियो आपको बताना था कि कहाँ पर स्लो मोशन वीडियो का मूव किया गया है। होपफुली ये आपको पसंद आएगा, तो लाइक करना ना भूले इस वीडियो को और सब्सक्राइब करके बने रहिए, बहुत ही यूजफुल वीडियोज़ बना रहा हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर अपना, बाय बाय।